क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन. आपको ये फिगर गिवन होगी I1 I2 परपेंडिकुलर. आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ऐसे कई पॉइंट्स आएंगे वैसे तो, जहां पर नेट बी जीरो होगा. तो मान लो P एक पॉइंट है जहां पर नेट बी जीरो और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा वाई. ऐसे कई आएंगे पॉइंट्स x1 y1 x2 y2. तो जब लोकस वर्ड आता है तो मेडिकल वाले लोग समझ लें, आपको एक इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई की जहां पर नेट भी जीरो है. तो मान लो पी वो पॉइंट है जहां पर कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है, तो एक्स और वाई के हिसाब से ये डिस्टेंस कितना है, ये एक्स है और ये कितना है, ये वाई है. और यहां पर नेट भी क्या आना चाहिए, जीरो. एक बात बताओ, I1 करंट राइट है तो ये बी कहां जनरेट करेगा, यहां पर आउटसाइड. और I2 करंट ऊपर है तो बी कैसे जनरेट करेगा, इनसाइड. तो अगर इसका प्रोड्यूस किया हुआ बी और इसका प्रोड्यूस किया हुआ बी आपस में कैंसिल कर जाएं तो नेट आंसर बी का क्या आएगा, जीरो. तो I1 करंट ने y डिस्टेंस पे कितना प्रोड्यूस किया, बी. इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 बाय y. और I2 ने कितना जनरेट किया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I2 बाय x. दोनों को इक्वेट कर देंगे ताकि नेट बी क्या आ जाए, जीरो. आंसर ऑप्शन मार्क कर लेना. ठीक है, यहां तक इस क्वेश्चन को देखें प्लीज. क्वेश्चन में जो वायर है वो ये वायर है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. आज किया भी था असाइनमेंट में, और ये वायर है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है सेम. तो इसके अंदर ये वायर, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, क्या होगी फोर्स पर यूनिट लेंथ, नहीं निकालनी फोर्स निकालनी है. तो ये करंट और ये करंट ऑपोजिट है, तो 30 एम्पियर 10 एम्पियर को अपनी तरफ क्या करेगा, अपने से दूर क्या करेगा, रिपेल. तो ये वेक्टर F1 यहां आएगा. तो F1 कितने सेंटीमीटर पे लग रहा है, 25. तो 25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 इंटू 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2. यहां से F1 आ जाएगा. सिमिलरली ये करंट और ये करंट आपस में रिपेल, तो ये रिपल्शन लगेगी और फोर्स क्या है, F2. तो F2 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू करंट क्या है, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2. तो F1 निकालो, F2 निकालो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, नेट फोर्स आ जाएगी, डन. ठीक, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है, सपोज ये P, Q और ये R, तो एक करंट यहां से यहां आ रहा है,
एंगल 45 गिवन है, आपको क्या बताना है, आपको रेशियो बतानी है फोर्स एक्सपीरियंस बाय पी क्यू एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू आर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पी क्यू के ऊपर फोर्स क्या होगी, बी आई लेंथ की जगह पी क्यू साइन ऑफ 90 आंसर, फिर क्यू आर की जगह क्या होगी, क्यू आर में करंट नीचे आ रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल वेक्टर भी नीचे है, बी वेक्टर राइट है तो बी आई लेंथ की जगह क्यू आर साइन 45, क्लियर है, ठीक है। आपको इसकी रेशियो निकालनी है तो आप सिंपली इन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं, पर जब डिवाइड करेंगे आंसर गिवन है 1:1, 1:2, 2:1, तो ये कटेगा नहीं पी क्यू आर क्यू आर, तो आप एक रेशियो निकालनी पड़ेगी पी क्यू की और क्यू आर की, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉस 45 क्या है पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर, कॉस 45 इज दिस अपॉन दिस, तो कॉस 45 पी क्यू बाय क्यू आर, कॉस 45 1/√2 पी क्यू बाय क्यू आर, तो क्यू आर क्या है पी क्यू रूट टू, आप क्यू आर की जगह क्या पुट कर लें पी क्यू रूट क्यू, रूट टू से साइन 45 कैंसल, तो एक फोर्स ये आ गई एक फोर्स ये आ गई, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर वापस से 1:2 बना गया। कैसे सॉल्व करना समझ में आ रहा है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर ए बी सी, तो देख रहे हो ए बी और सी स्ट्रेट कंडक्टर है, आपको बी गिवन है 5 टेस्ला, फोर्स ए बी सी पे निकालनी है, तो रूल नंबर 1, अगर ए बी सी पे फोर्स निकालनी है तो आप ए से लेके बी से लेके सी इसे क्या कर दें ज्वाइन कर दें, डिस्प्लेसमेंट आ गई तो आप सीधा इसी के ऊपर निकाल दें, ये 4 है या 3 है तो ये 5 सेंटीमीटर, तो बी आई एल साइन 90 और एल की जगह 5 सेंटीमीटर आंसर, और डायरेक्शन क्या होगी फ्लेमिंग का रूल, बी बोर्ड के अंदर है करंट इधर है तो फोर्स कहां पर है इधर है, तो ये आपके पास क्या आ गई फोर्स की वैल्यू, राइट डायरेक्शन भी आ गई। लेकिन कोई कहते मैं ऐसा सोच ही नहीं पाया, मैं इसको दो बार में करूंगा, इस पे फोर्स अलग इस पे फोर्स अलग, कर लो इस पे फोर्स क्या होगी बी आई एल साइन 90 लेंथ 3 सेंटीमीटर और इसके ऊपर बी आई एल साइन 90 लेंथ 4 सेंटीमीटर, फ्लेमिंग के रूल से इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बी बोर्ड के अंदर है करंट नीचे फोर्स कहां पर है टुवर्ड्स राइट, इसमें बी बोर्ड के अंदर है करंट इधर फोर्स कहां पर है ऊपर, तो राइट और ऊपर का रिजल्टेंट फिर वही बनेगा जहां पहले बन रहा था, तो बेटर नहीं है कि सीधा ज्वाइन ही कर लें, ज्वाइन करके बी आई लगाएंगे सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने एक लूप है, इस लूप के अंदर करंट है आई, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है, आपको इसमें यह बताना है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी एलिमेंट के ऊपर,
जब आप ऑन करोगे तो आपको बताना है कि फोर्स कहाँ लगेगी, तो ये एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसके अंदर ये एलिमेंट है आई, ये एलिमेंट है आई, ये एलिमेंट है आई। फोर्स देखते हैं, बी कहाँ पर है, यहाँ पर बोर्ड के बाहर है, ये एलिमेंट ले लेते हैं, बोर्ड के बाहर है, करंट यहाँ पर है, फोर्स कहाँ पर है, नीचे, ये फोर्स नीचे, ये एलिमेंट ले लेते हैं आई, बी बाहर है, करंट ऊपर है, फोर्स कहाँ पर है, राइट। अब जहां मर्जी ले लो, फोर्स बाहर आएगी, बाहर आएगी तो लूप क्या होगा, एक्सपैंड, आंसर एक्सपैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक बार ये लूप है, करंट मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, इस बार बी दे रहा है वो आपको, बी कैसे है, इस प्लेन में है, ये बी है, ये फोर्स नहीं है, पूछ रहा है फोर्स कहां पर है, कहां होगी फोर्स, एलिमेंट लें, ये एलिमेंट एक ले लेते हैं, ये रहा, ये एलिमेंट ले लेते हैं, ये रहा, ये रहा, करंट ऐसे है, तो बी ऊपर है, करंट इधर है, फोर्स कहां पर है, अंदर है, बी ऊपर है, करंट इधर है, फोर्स अंदर है। फिर देखो आप राइट रूल लगा रहे हो, लेफ्ट लगाना है, बी कहां पर है, इधर है, करंट कहां पर है, ऊपर, फोर्स कहां पर है, इनसाइड है, तो आप जहां मर्जी ले लो, फोर्स इनसाइड आएगी, आंसर इनसाइड है, ठीक है यहां तक, ठीक। पहले वाला, पहले वाले क्वेश्चन में बी, बी गिवन है, फोर्स पूछ रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में बी दे रहा है, फोर्स पूछ रहे हैं, ये देखो बी कैसे है, बोर्ड के बाहर है, तो फोर्स बी अगर बोर्ड के बाहर है, बनाऊं, ये लोखो एलिमेंट कहां लूं, यहां लूं, ये एलिमेंट है, करंट ये रहा, बी बोर्ड के इधर है, करंट इधर है, नीचे, फोर्स नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक आर्क है, करंट जा रहा है सेमी सर्कल में, आपको नेट बी बताना है क्या है, पहला रूल माइंड में आएगा, इसे ज्वाइन कर लो डिस्प्लेसमेंट, और फॉर्मूला क्या लगाओ, बी आई इनटू लेंथ की जगह 2r, सही लगा रहा हूं, आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, वैसे आता है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, बताया तो ये टेढ़ी वायर है, ज्वाइन कर दो, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, आधे रीजन में बी नॉट है, आधे रीजन में 2 बी नॉट है, अगर एक ही बी नॉट होता फिर मैं ज्वाइन करके आंसर निकाल देता, बी आई 2 आर, इसमें अलग अलग है, कोई बात नहीं, दो पार्ट्स कर लेते हैं, ये आधी वायर, ये आधी वायर, ये जो आधी वायर है इसको कैसे करेंगे, ये कर्व है, ये देखो ज्वाइन करें, ये तो ज्वाइन करके क्या आ जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी यहाँ पे, तो आप इसे ज्वाइन करें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये आ जाएगी, ये आर है, ये आर है रूट टू आर, करंट ऐसे होगा क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी बी नॉट आई रूट टू आर, डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, फोर्स ऊपर है, एफ वन, फिर इसके लिए ये आर्क नीचे करंट आ रहा है तो इसमें ऐसा बनेगा करंट, तो बी टू बी नॉट आई रूट टू आर, और डायरेक्शन में बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, फोर्स ऐसे। अब ये फोर्सेस आपस में क्या आएंगी, 90 डिग्री पे तो नेट बी क्या आएगा, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर का अंडर रूट, वैसे ऐसे कुछ में पूछेगा नहीं, पर पूछ ले तो फिर आपको ना अंदाजे से बताना पड़ेगा कि अपवर्ड है, एग्जैक्ट आंसर निकाल नहीं पाएंगे, निकालना है फिर वेक्टर लगाने पड़ेंगे फोर्सेस को लेके, पैरेललोग्राम लगा के टैन बीटा से आंसर आएगा, पूछेगा नहीं। नेक्स्ट,
हॉरिजॉन्टल कंडक्टर है, मास एम है और लेंथ एल है, और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है इसके साथ, क्यू चार्ज पास किया बहुत छोटे टाइम के लिए, जैसे क्यू चार्ज पास किया छोटे टाइम के लिए तो करंट पास किया, उसी टाइम वो वायर पे फोर्स लगी और वो हिली, उसने वेलोसिटी भी एक्वायर कर ली, पहले वो रेस्ट पे थी तो वो वेलोसिटी क्या है ये बताओ। रूल नंबर वन, फोर्स कंडक्टर पे क्या होगी, बी आई एल। अब जब झटका लगता है और वायर हिलती है तो ये इम्पल्स का कॉन्सेप्ट होता है प्लस वन से, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम में छोटे टाइम डी टी के लिए क्या इम्पल्स लगा, बी आई एल इंटू डी टी, बी एल कॉन्स्टेंट, आई डी टी की इंटीग्रेशन क्या है, टोटल चार्ज क्यू, करंट इंटू टाइम क्या होता है चार्ज, तो ये आपके पास इम्पल्स आ गई। अब इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम पहले कितना था जीरो, अब कितना है एम वी, इक्वेट करके भी आ गया। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो वहां हो नहीं सकता अगर ना कर रखा हो, कर लिया तो फाइनल होगी ना, इनिशियल तो रेस्ट पे थी ना वो, तो फिर ठीक है, मतलब क्वेश्चन में फाइनल पूछा होगा, हाँ वी पूछा, तो आपने इनिशियल लिखा होगा, नहीं नहीं फाइनल। इस क्वेश्चन के अंदर आई करंट है, ये करंट जो है इसमें आई करंट है, तीनों में मार्क कर लो, दो एम्पियर दो एम्पियर दो एम्पियर, और साइड ऑफ फ्रेम वन मीटर है, आपको इसमें फोर्स बतानी है नेट। एक बात बताओ, ये वायर टेढ़ी है तो आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी सी डी, ये वायर टेढ़ी है डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी सी डी, और तीसरी वायर खुद कौन है सी डी, तो तीन बार फोर्स निकाल लो सी डी पे आंसर आ जाएगा, तो बी आई एल इंटू सी डी, तो बी आई एल को थ्री से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें करंट गिवन है आई ऊपर की तरफ, एक परपेंडिकुलर वायर गिवन है ये रही आई, आपको फोर्स निकालनी है ये इस पे क्या फोर्स लगाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या है ए बाई टू और ये क्या है ए। अब ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगाएगा ज्यादा कम 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 कम, अब फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा कम 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 कम, तो टोटल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन, तो आप एक काम करो इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, लंबाई dx है, कितनी दूरी पे x, ये इनफाइनाइट वायर यहां पर b क्या लगाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय x, इस छोटी सी लेंथ dx के ऊपर स्मॉल फोर्स क्या होगी bi into dx, b की वैल्यू क्या है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय x, और टोटल फोर्स निकालने के लिए पहला एलिमेंट यहां लिया जाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ a बाय 2 और दूसरा एलिमेंट यहां लिया जाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ a प्लस a बाय 2 यानी कि 3a बाय 2, 1 बाय x की इंटीग्रेशन log ऑफ x, a बार x की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को माइनस, log ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म इज log ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म आंसर। मेडिकल में मुश्किल है बट नॉन मेडिकल के अंदर तो पता ही है क्या आते रहते हैं क्वेश्चन ऐसे, बट समझ में आ रहा है यहां तक, ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है कि ये एक पैराबोल है, ये पैराबोलिक की फॉर्म में वायर है, इस पे फोर्स बतानी है क्या है, और आपको बी कितना गिवन है माइनस फोर के कैप यानी कि बोर्ड के अंदर मैग्नीट्यूड चार, और करंट कितना गिवन है टू, तो एक बात बताओ इसका एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, ये वायर यहां से आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या लेंगे, वो ये लेंगे डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ लेंगे, क्योंकि करंट ए से कहां आ रहा है बी, तो स्ट्रेट वायर में भी ए से बी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा फोर्स का, बी बी का मैग्नीट्यूड कितना है फोर, वैल्यू फोर है, करंट कितना है टू, फोर इंटू टू एट, और ये लेंथ कितनी है टू प्लस टू फोर, एट इंटू फोर 32, तो आंसर फोर्स में 32 आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 मार्क करना। डायरेक्शन कहां आएगी, बी कहां पर है माइनस के कैप, माइनस के कैप का मतलब बोर्ड के अंदर, करंट कहां आ रहा है नीचे, फोर्स का लगेगी राइट, राइट का मतलब आई कैप, 32 आई कैप,
ऑप्शन मार्क कर लेना, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका वो कहता है जी वेक्टर लगा दो आई इन टू एल क्रॉस पी, एल वेक्टर ये रहा, एल वेक्टर नीचे है, नीचे का मतलब माइनस जे कैप, फिर बी वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो सीधा आई कैप ये भी आएगा, जैसे मर्जी कर लो। वैसे मेरे को पहला मेथड ज्यादा पसंद है, सीधा लगा के पहले मैग्नीट्यूड निकालो फिर डायरेक्शन निकाल लो। ठीक, इस क्वेश्चन में स्ट्रेट वायर है, कर्व वायर है, स्ट्रेट वायर है, नेट फोर्स बोलो क्या होगी? तो इसके ऊपर करंट ऊपर है, बी इतनी अंदर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहां पर है? लेफ्ट है। इसके अंदर बी अंदर है, करंट नीचे है, फोर्स कहां है? राइट। ये और ये आपस में कैंसल, यहां पे करंट कैसे आ रहा है? इधर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? टू आ रहा है। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो बी, बी कहां पर है? बोर्ड के अंदर। करंट कहां पर है? इधर है, तो फोर्स कहां पर लगेगी? ऊपर। कितनी? बी आई इंटू टू आर, आंसर राइट। इस क्वेश्चन में दो रेल्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, प्लीज इसके ऊपर रॉड है और एक बैटरी है, जब हम इसे ऑन करेंगे स्विच तो करंट यहां से ऐसे घूमेगा, तो यहां से करंट आएगा, ये लो, यहां से करंट आएगा तो ये करंट आएगा और यहां से यहां जाएगा, क्या हो गया यार ये? ठीक है, तो देखो करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा, इस रॉड में जाएगा और ऐसे घूम के वापस आ जाएगा ऐसे, तो ये रॉड मूवेबल है, हॉरिजॉन्टल ऐसे है, ये फ्रिक्शन प्रेजेंट है यहां पर म्यू। तो पहला क्वेश्चन, ये रॉड मूव कहां करेगी? करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में, तो बी कहां पर है? बोर्ड के बाहर। करंट कहां पर है? ऊपर, तो फोर्स कहां पर है? इस तरफ, तो ये कहां मूव करेगी? राइट। पहला आंसर बी, करंट फोर्स, फोर्स क्या लगेगी? बी आई एल। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर फ्रिक्शन है, एक बार आपने बी आई एल लगाया और आपने छोड़ दिया इसे, तो रॉड कायदे से कहां जानी चाहिए? एल लेंथ तक, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? बी आई इंटू लेंथ, लेंथ की जगह ये डिस्टेंस कितना है? बी, बी आई बी इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, ये वर्क डन करेगा मैग्नेटिक फील्ड। पर प्रॉब्लम यह है कि बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है और वो एक्स डिस्टेंस पे रॉड को रोक देगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? एफ इंटू एक्स। सॉल्व कर लो आंसर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम एम जी होता है, ये हमने कर लिया था क्वेश्चन। हम जो लास्ट टाइम शीट कर रहे थे उसमें शीट नंबर 68 में मैंने आपको बताया था कि अगर टेढ़ी वायर है तो बी आई एल लेते हैं, फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो करंट यहां से यहां आ रहा है और घूम के वापस जा रहा है तो नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्या है? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और अगर ये पूछे कि इस वायर पे फोर्स क्या है तो बी आई इंटू टू आर, इसके ऊपर फोर्स क्या है? बी आई इंटू टू आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टू आर है। लेकिन अगर मैंने करंट ऐसे कर दिया, डी से लेके ए तक करंट है, डी से लेके ए तक करंट है, दोनों में एक तरफ है, तो नेट फोर्स क्या है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो तब मानी जाती है जब करंट जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर वापस आए, यहां पर इधर जा रहा है और इधर जा रहा है वापस नहीं आ रहा, तो इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो इस वायर में फोर्स क्या है? बी आई इंटू टू आर। इसमें भी क्या है? इसकी, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बनेगा, बी आई इंटू टू आर। इसमें करंट लेफ्ट जा रहा है तो बी आई टू आर, तो ये फोर्स नीचे, तो इसके ऊपर भी फोर्स नीचे, इसके ऊपर भी फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स क्या बनेगी? दोनों को ऐड करके डाउनवर्ड्स। एक क्वेश्चन है जिसमें इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे एक सिलेंडर पड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो आपको ने क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, क्वेश्चन है कि इसमें करंट है, अब करंट अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है, बताओ करंट का कहां होगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? पहला क्वेश्चन, ताकि रॉड रेस्ट पे रहे, नीचे ना आए। अब इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम में mg, mg cos थीटा, mg sin थीटा की फोर्स रॉड को नीचे लेके आती है। अब मुझे पता है कि करंट अगर अंदर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट अंदर है मेरी तरफ, सेंट्रल फिंगर मेरी तरफ है, तो फोर्स कहां लगेगी? लेफ्ट। अगर फोर्स लेफ्ट लगेगी, बी आई एल साइन 90 यानी कि बी आई एल, तो इसका एक कॉम्पोनेंट बनेगा 30-30 बी आई एल cos 30, जो इसे क्या कर देगा? कैंसल, और रॉड किस पे रहेगी? एट रेस्ट। तो इक्वेट करके जो निकालना है निकाल लेना।
तो असाइनमेंट दूंगा ऐसा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है करना कैसे है। तो एक फोर्स जो नीचे लेके आ रही है एम जी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां लगनी चाहिए बी आई एल, ताकि इसका कॉम्पोनेंट इसे क्या कर सके, कैंसल। इस क्वेश्चन के अंदर ये करंट है ट्राइंगल की फॉर्म में, आपको फोर्स इस पे निकालनी है पी क्यू, तो बी आई एल साइन 90, क्योंकि लेंथ भी इधर है बी भी इधर है। अगर इस पे निकालनी है तो बी आई लेंथ और बी में एंगल कितना है 120, बी आई एल साइन 120। इस पे निकालनी है तो लेंथ ऐसे है बी ऐसे है, तो बी आई एल साइन 120 आंसर। ठीक है यहां तक, तो लेंथ और बी में एंगल देखते जाओ आंसर आता जाएगा।